पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत की ग्राम पंचायत बिरमोली विकास खंड द्वारीखाल को गोद लिया है। वहीं संस्था की ओर से स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत की ग्राम सभा बिरमोली खाल के तहत उनके गांव सेना और इसी ग्राम सभा के अंतर्गत मथारा राजस्व गांव को गोद लिया है। इस दौरान संस्था ने जानकारी दी है कि स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत के गांव सेना को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में निर्मित करना उनकी संस्था का संकल्प है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद स्कूली बच्चों को साइकिल और टैब वितरित किए गए और संस्था इन उद्देश्यों को लेकर अपने काम में जुट गई है। यादव जी ने जो ये काम किया है बहुत अच्छा काम किया है कि बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में जो साइकिल आज वितरित की गई है उससे मुझे बहुत खुशी है। क्या क्या है बिपिन रावत जी के नाम पर क्षेत्र में, यहाँ पे क्या क्या किया? इस क्षेत्र में प्रशासन के थ्रू और सरकार के थ्रू हमें पूरा समर्थन है और जो भी चीज़ हमको जरूरत है बल उन्होंने बताया कि उसका प्रस्ताव दीजिए, हम उसको बनाएंगे। अभी एक सैनिक स्कूल का प्रस्ताव गया है और इंटरमीडिएट कॉलेज का भी यहाँ प्रस्ताव है इंग्लिश मीडियम से थ्रू और जो चलेगा। ये दोनों स्कूल उनके नाम से होंगे? उन्हीं के नाम से होंगे। एक सैनिक स्कूल जो है उनकी मिसेज के नाम से होगा जो सैनिक स्कूल बनेगा और इंटर कॉलेज उनके नाम से बनेगा। जो पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत जी की इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं मेरे गांव में आयो और गांव पे आने के बाद वहां पे शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार इसके उपलब्ध में पलायन जो है वो पलायन कैसा खत्म हो जाए उत्तराखंड के बारे में वो व्यथित रहते थे। उनको लगता था कि मेरा समय पूरा यहाँ पे दे दूँ और यहाँ की स्थिति में सुधारूँ और ये सब चीज़ें होने के बाद बावजूद आपको तो सब पता है बहुत बड़ी क्षति हुई और वो उनका जो सपना था वो सपना पूरा करने के लिए मैं निवृत्ति यादव डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से यहाँ पे बिरमुली ग्राम पंचायत गोद ली है। बिरमुली ग्राम पंचायत के अंदर मथारा सेना गांव आता है तो हम जो भी यहाँ का मास्टर प्लान चालू है जो भी गांव में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है शायद एक साल लगेगा पूरा यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए। इनका ये गाँव भी है और उनका एक अधूरा सपना यहाँ पर रह गया था, उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर समाज सेवा की जानी थी लेकिन दुर्भाग्यवश भारत को एक हमारे देश को एक क्षति पहुँची है जिसका कि सारे भारतवासियों को दुख है और आज हमने उनको दो मिनट का मौन धारण करके उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की और जिस प्रकार से आज हरिवंश बच्चन संस्थान द्वारा बिरमोली ग्राम सभा को गोद लिया गया है और आज उनके द्वारा जो हमारे बालिकाएँ हैं इस विद्यालय में पढ़ने वाली उनको साइकिल दी गई। गांव में जो एक धारणा बनी हुई है सरकारी स्कूल के लिए कि बच्चे जो यहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं है या अध्यापक कम है, बात भी सही है, सब्जेक्ट 5 है अध्यापक कम है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम बन जाएगा अगर सरकार का ध्यान हमारे एनजीओ सर जो है उन्होंने प्रयास किया है तो हो सकता है पूरा स्टाफ मिल जाए। जब पूरा स्टाफ मिलेगा तो हम मतलब प्रत्येक बच्चे पे व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा। अभी यह है कि 2 अध्यापक है, सब्जेक्ट 5 है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, हिंदी भी है, मैथ्स भी है और जो मीडियम इंग्लिश हो जाएगा जिस वजह से गांव के जो जनता है प्लान हो रही है उनका एक वो है कि इंग्लिश मीडियम, हालांकि यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम है लेकिन थोड़ा यहाँ पर स्टाफ कम है, मतलब 2 अध्यापक और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा। तो सर के अगर उससे जैसे सर कह रहे हैं कि मतलब हो जाएगा तो स्टाफ पूरा आएगा तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो अलग अलग टीचर होगा तो विद्यालय की स्थिति अपने आप सुधरेगी, बच्चों की स्थिति अपने आप सुधरेगी। इंग्लिश मीडियम हो रही है और उन्होंने तो बहुत कुछ सोचा था कि हमें बहुत दुख हुआ जब मतलब उनका ये सुनकर के जब हमारे आने लगे और अब बहुत खुशी हो रही है जब यहाँ मतलब गाँव बहुत ले जाने से पूरा देश अद्वैत में है, पूरे देश को बहुत बड़ी हानि हुई है और यहाँ पर अभी उनके गाँव का विकास कार्य एनजीओ के थ्रू श्री हंस हरिवंश राय बच्चन जी एनजीओ में श्री यादव जी कर रहे हैं और अभी यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना है, रात को बड़ा अच्छा लगता है और फिर ये मंदिर बन रहा है, मंदिर का रास्ता में भी काम शुरू है। वजह से हमें ये साइकिल मिली है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बिपिन रावत अब नहीं रहे, मैं बिपिन रावत की तरह आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बिपिन रावत जी की वजह से हमको साइकिल मिली है और हमारे लिए
बहुत दुख की बात है कि बिपिन रावत जी नहीं रहे। मैं बिपिन रावत जी की तरह फौजी बनना चाहती हूँ।